तक रहेगा लालू तब तक रहेगा आलू। दलाल से मिलता है वो आधा पैसा वही मार लेता है। खाता पर पैसा लीजिएगा तो नहीं कटेगा, कैश लीजिएगा तो 2% कटेगा, क्राइम तो अभी वो हो जाता है लालू। मोदी बहुत अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज, मैं हूं मोहित। अभी मैं धमधा विधानसभा क्षेत्र में कुछ किसानों के बीच बैठा हूं। इनकी क्या समस्या है? सरकार कुछ वादे किसान के लिए करती है, क्या वो उस वादा पूरा होता है या नहीं, आइए इन किसान से जानते हैं। केला खेती में क्या हुआ इस बार, जो है पानी इतना हुआ कि केला गल गया, एकाएक पक गया, खिंचा था वो पक गया, गाज जो है गिर पड़ के जो है तहस नहस हो गया। कुछ मुआवजा मिला आप लोगों को? नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिला। तो केला का रेट इस वक्त बहुत ज़्यादा है, आप लोगों क्या क्या हाँ है ज़्यादा? पौर साल तो ठीक हो था, इस बार तो ख़त्म हो गया। 60 रुपया 65 रुपया 70 रुपया यही शुरुआत हुआ, उसी में समाप्त। मतलब 60-65 रुपया का घानी पूरा? घानी। और 60-65 रुपया तो दर्जन बिकता है शहर में? नहीं, शहर में बिकता है दर्जन। मतलब किसान जो है बेहाल है, बाकी आम आदमी सब मालामाल है क्या? हाँ, व्यापारी लोग मालामाल है, सेठ सब। मतलब किसान को देखने वाला फिर कहाँ एक पकता है यहाँ तो क्या करेगा? लेबाग भी जल्दी नहीं आता है, हमरा काट लीजिए। तब व्यापारी का ताव 50 टका तो वहाँ दे रहा, धमधाम में दे रहा, वहाँ सस्ते में दे रहा है, लगा यहाँ से जो है काट कूट कर जो है कमे सब में जो है निकाल दिया। जो होकर अंधर तंधड़ आता है तो गिर पड़ कर जो है थोबा हो जाता है। कहाँ से आता है व्यापारी लोग? कलकत्ता, यूपी, बनारस और गेरावड़ी सब के वहाँ दलाल सब रहता है, वही जरिया से आता है यहाँ केला कटिंग करने के लिए। तो दलाल जो है वो भी कमाए? वो भी अपना कमीशन काटता है वही में। व्यापारी डायरेक्ट किसान से मिले तब ना, वो दलाल से मिलता है वो आधा पैसा वही मार लेता है। डायरेक्ट किसान से मिलेगा तो किसान को बचेगा ना पैसा। और यहाँ पर अगर केला वाला कोई उद्योग लग जाए, फैक्ट्री सरकार लगा दे, फिर क्या होगा? तो तब ठीक होगा, बढ़िया रेट देगा किसान सबको, अच्छा रहेगा, सरकार करेगा तब ना। यहाँ का माल यहीं बेच लीजिएगा तो? हाँ, यहीं बेच लेंगे, गद्दी अगर बगल में रहेगा तो रेट भी अच्छा रहेगा। तो जब जब चुनाव का समय आता है तो सरकार बोलती है हम किसान के लिए, केला किसान के लिए, मक्का किसान के लिए उद्योग लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, क्या ये सब लगता है? कुछ नहीं, अभी मक्का का बीज देखिए 1800 रुपया पैकेट है, जो कि 1100 में मिल रहा था, 900 में मिल रहा था, अभी 1100 रुपया पैकेट है। 33-55 का सीधे 2200-2300 रुपया पैकेट है। किसान मरेगा, मकई का रेट रहता है 2500, मकई का वही 900-800 रुपया कुंटल रहता है मकई। क्या ये केला और मक्का जो आप लोग लगाते हैं कुछ फ़ायदा होता है क्या? फायदा क्या, वही सलियाना खाना पीना में बराबर हो जाता है, कोई फायदा नहीं। सरकार जो बोलती है किसान के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप लोग के लिए आपको कोई योजना का लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला अभी तक। किसान ऐसी सरकार ऐसी बोलता है मगर सरकार तो देता होगा, उसका वो नीचे जो है वो खाता पीता होगा, मगर मिलता है नहीं। अकेले जाइए बेचने के लिए तो वहाँ 2% जो है कटता है कमीशन। कहाँ? गुलाबबाग में, मारवाड़ी लोग। अच्छा, GST कटता है 2%। खाता पर पैसा लीजिएगा तो नहीं कटेगा, कैश लीजिएगा तो 2% कटेगा। गा बजागा मकइयों में जो है खेल खत्म हो गया, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ये तो खेती जो है एक तो जो है क्या करेगा किसान, करता है मान लिया साल भर चल जाता है, नहीं तो जो खेती में आप कोई लज्जत नहीं है। अच्छा, खेती से छोड़ के अब दूसरा सवाल है हमारा कि ये सरकार का योजना घर वगैरह पक्की सड़क, नल जल सड़क वगैरह, ये सब हुआ है आपके गाँव में क्या? हाँ, हो रहा लगा, नल जल वाला तो हो रहा लगा। सड़क वगैरह भी सब फर्स्ट क्लास हो रहा लगा। जो टूटा आपका इतना उम्र हो गया, पहले क्या स्थिति था, अभी क्या स्थिति है? ना पहले से तो बहुत अच्छा है, पहले बोलता था क्राइम भी होता था ये देश। हाँ, क्राइम तो अभी हो जाता है, अभी हो होता है क्राइम, छीन लेता है लोड गाड़ी गुलाब बाग से आता है, छीन लेता है, सुनते हैं मोटरसाइकिल छीन लेता है। किसान जो आलू प्याज उपजा के देता है तो सस्ता में बेच देता है। अभी देखिए आलू का रेट 40 रुपया किलो है,
और प्याज का 65 रुपया किलो है, किसान मरेगा, गरीब आदमी कहाँ जाए। 80 आप लोग किसान है, 80 रुपया 60 रुपया बेच के तो मालामाल हो गएंगे। तो अभी थोड़ी सस्ता में हम लोग उतनी रेटे न रहता है, उपजा के देते हैं सस्ता में ले जाता है, अभी अनाप शनाप रेट है। रेट जो बढ़ जाता है अचानक कौन बढ़ाता है, सब कौन करता है? वो तो ऊपर से ऑर्डर आता है तब ना, जैसे पेट्रोल डीजल ले लीजिए, अभी हाई फायर रेट है डीजल पेट्रोल का। किसान खेती लगाने के लिए अभी खाने का, एक तो लॉकडाउन भी सोच दिया, उसके बाद ही खेती होती है। क्या रेट में प्याज और आलू बेचे थे आप लोग? हम लोग तो वही 700-800 रुपया कुंटल था। और अभी क्या कैसे कुंटल है? अभी तो क्या कहते हैं, 80 रुपया के जी, 1 केजी का दाम 80 रुपया प्याज का। मतलब जो किसान उपजाता है वो गरीब हो रहा है, वो गरीब हो रहा है। 50 टका आलू है, आलू है, आप मिला लीजिए। 50 टका अभी आलू दे रहा, 80 टका केजी प्याज दे रहा लगा, यही अभी जो है 6000 रुपया कुंटल जो है आलू लगा रहा किसान। किसान को फायदा, जब वही उपजेगा तो चला जाएगा फिर वही 600-700 रुपया कुंटल। सरकार भी अगर आलू प्याज का दाम अगर फिक्स कर देता इतना, तो आप लोग भी मालामाल हो जाते अभी। हाँ तो और क्या, तब सरकार का नाम मुँह होता। अच्छा, क्या अच्छा। किसान के लिए थोड़ा भलाई किया है पूरा। अच्छा, अब उपजाने में भी मन लगेगा हम लोग को। तो अब आप लोग किसान हैं तो कौन सरकार किसान के बारे में सोचता है? पहले वाला जो लालू यादव वाला सरकार था, अभी नीतीश जी का सरकार है, दोनों में से कौन किसान के बारे में सोचता था? लालू यादव। आप बताइए चाचा, कौन किसान के बारे में सोचता था? सरकार तो देखिए उम्र हो गया तो हमको लगता जरूर 10-15 इलेक्शन देख लिए होंगे। पहले से तो जो अभी जो है मोदी बहुत अच्छा जो फैसिलिटी भी बहुत दिया है। अच्छा, लालू के रीजन में तो रोड तोड़ जो है साफ खत्म था। अच्छा, अभी नीतीश कहिए या मोदी कहिए, इनको काहे ना समझाते हैं लालू जी के बारे में? वो बच्चा है, लड़का उड़का है तो उसको क्या पूछिएगा। अच्छा, लड़का लोग है वो। अच्छा, लालू जी आपको काहे अच्छा लगता है? उसके लिए सामने इतना रेट ननन था, हाई फाई ननन था, आलू इस सब का हाई फाई रेट न था। जब तक रहेगा लालू तब तक रहेगा आलू।